हरी बोल हरी बोल हरी बोल, जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका दोस्त, आप सबका सखा, दासों का दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 19 अप्रैल 2020 को दिल्ली अपने निवास स्थान से, एकादशी के पवित्र दिन। जी हाँ, आज एकादशी है और आज ही एकादशी है। एकादशी के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा कि कितनी फलदायिनी होती, कितने जो भी इसका उपवास रखता है कितने उसके पापों का अनंत जन्मों का नाश हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ पड़ता है। तो आइए, सबसे पहले आज सुबह मैं आपको भाव समर्पित करना चाहता हूँ। मैं अपना राधा गोविंद के चरणों में आज भाव समर्पित कर रहा हूँ आप सबके समक्ष, जो प्रभु ने मन में उतारे, क्या ब्रज की महिमा। जी हाँ, वो ब्रज जहाँ के कण कण में राधा गोविंद है, वो ब्रज जहाँ जाकर हम झूम जाते, मस्ती में खो जाते, वो ब्रज जहाँ जन्म लेने वाला फिर इस धरती पर वापस नहीं आता, वो ब्रज जहाँ की लता पता सब गोविंद की राधा गोविंद के भाव में खोई रहती है और जहाँ का हर प्राणी गोविंद को प्रिय है। तो बिगड़ समय गवाए सबसे पहले भाव सुनते क्या। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हरि बोल। ब्रज की महिमा है सबसे न्यारी, सबको ब्रज बड़ा भाता है, सबको ब्रज बड़ा भाता है, ब्रज की महिमा है सबसे न्यारी, सबको ब्रज बड़ा भाता है, सबको ब्रज बड़ा भाता है, जिसको भी देखो वो ही ब्रज की और खींचा चलाता है, और खींचा चलाता है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हरि बोल। अलौकिक है ब्रज धाम हमारा, तीनों लोकों में न्यारा है, तीनों लोकों में न्यारा है, अलौकिक है ब्रज धाम हमारा, तीनों लोकों में न्यारा है, तीनों लोकों में न्यारा है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी गोविंद को बड़ा प्यारा है, गोविंद को बड़ा प्यारा है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हरि बोल। ब्रज की रज के कण कण में गोविंद की ही मस्ती छाई है, की ही मस्ती छाई है, ब्रज की रज के कण कण में गोविंद की ही मस्ती छाई है, की ही मस्ती छाई है, ब्रज की हर लता पता बस गोविंद की ही महिमा गाती है, की ही महिमा गाती है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हरिबो। ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम मुखड़ा आपको बहुत कुछ नयापन देगा। मन को इतना सुकून है मिलता ब्रज की गलियन में आकर, ब्रज की गलियन में आकर, मन को इतना सुकून है मिलता ब्रज की गलियन में आकर, ब्रज की गलियन में आकर, मारे खुशी के झूम उठे मन अपने घर ब्रज में आकर, अपने घर ब्रज में आकर, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी जग में सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे
सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की। उम्मीद करता हूँ दास का ये भाव आपको पसंद आएगा, अच्छा लगे तो शेयर करना। बात करते हैं एकादशी पे, जिस एकादशी के अंदर हल्का सा भी बिल्कुल सुई की नोक बराबर भी अगर दसवीं लग रही है वो एकादशी नहीं होती। एकादशी या तो पूर्ण होनी चाहिए या उसमें द्वादशी लग रही तो चलेगा, लेकिन दसवीं का एक भी हिस्सा नहीं लगना चाहिए। ये संतों की वाणी है, मैं गौड़ीय संप्रदाय से हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, जो मेरे गुरुवर ने बताया इसलिए आपको बता रहा हूं। एकादशी 19 तारीख की है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। आज 19 तारीख है इसलिए आप 19 तारीख की रखिए, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपका बुद्धि विवेक, आपके जो भी बोले आप जैसा सही लगे। दास वही बात करेगा जो संत बोलते हैं, गुरुवर बोलते हैं, अपनी मन से कुछ नहीं। अरे भाव भी मन में कहाँ है, गोविंद देता राधा गोविंद देती तभी तो मैं गाता हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है भाई, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कोई कब्र में दफन होकर मिट्टी हो जाएगा, कोई जल के हो जाएगा, ये शरीर भी यहीं का यहीं रह जाएगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ जाए था मूर्ख इंसान, खाली हाथ ही जाएगा, तू खाली हाथ आए था मूर्ख खाली ही जाएगा। इसलिए हाय तौबा मत कर माया की, हरि नाम ही संग जाएगा, ये बात आप समझ लेना। सबको जगाया सबको जगाऊंगा, मैं यही बोलूंगा, गोविंद की मस्ती में झूम तो झूमते रहो, गोविंद की मस्ती में झूमते रहो, राधे राधे सदा जपते रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। जिसने हरि नाम को पुकारा उसको आके मेरे श्री हरि नारायण गोविंद ने संभाला। आपको अच्छी बात बताइए, कर लो गोविंद से यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी, हो जाएगा पापों का नाश, हो जाओगे भवसागर पार, गोविंद से सगा अच्छा मित्र तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। आगे आपकी सोच आपका विवेक, घर में रहिए स्वस्थ रहिए आनंदित रहिए, घर में रहोगे तो अपनों के संग रहोगे, कोरोना से बचे रहोगे। हम राष्ट्र के साथ हैं इसलिए जो राष्ट्र में हमारे पीएम साहब बोले उनकी बात मानिए, इसलिए ये जगा रहा हूँ। और एक बात और, भक्ति मार्ग पे निंदा करना बंद कर दो बस, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो शेयर करना, आप सबका बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे फेसबुक व्हाट्सअप पे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जो आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद के रूप में दे रहे हो। आपका प्यार मेरे लिए राधा गोविंद का आशीर्वाद से कम नहीं है, वही आपके वाणी द्वारा प्यार द्वारा मुझे फूलों की ये शब्दों द्वारा फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मैं बहुत आनंदित रहता हूँ और यही चाहता हूँ आपको अच्छा लगे तो आप ये भाव गाओ गुनगुनाओ, और जो भी व्हाट्सअप से जुड़ा हुआ है इसी तरह जुड़े रहे, और जो जुड़ना चाहता है मेरे नंबर पर जुड़ सकते हैं 9212382938 9212382938 पे मेरे नंबर पर राधे राधे कर दो, नाम लिख दो, शहर का नाम लिख दो, समय मिलने पर बात करूँगा वॉइस मैसेज में, तसल्ली होने पर ऐड करूँगा। चलिए खुश रहिए आनंदित रहिए मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगे भाव तो शेयर करिए और गाते भी रहिए, खुश रहिए। आपका मित्र आपका दोस्त दासों का दास आपके सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, आप सदा स्वस्थ रहिए, यही राधा रानी से मंगल कामना करता हूँ। हे राधा रानी, ये कोरोना रूपी काल का नाश करो और जल्दी से ब्रज के पट खोलो ताकि हम आपके रूप रस आनंद रस और आपके चरणों से लिपटने आए। जय जय श्री राधे राधे राधे, हम सबको ब्रजवास करा दे, सदा खुश रहिए, श्री राधे।